चौधरी जाहिद का भट्टा है, ये काफी सालों से इस भट्टे पे काम कर रहे थे। हाँ जी। और तकरीबन कितने साल हो गए आपको? छह साल से पहले भी किसी पीछे भी भट्टों पे काम करते रहे। हाँ। ये जो भी हैं सारे बच्चे भट्टों पे पैदा हुए? हाँ जी, भट्टों पे। आप कितने साल की थे जब से काम कर रहे हो भट्टे पे? इससे छोटी ही थी जब से काम। इससे छोटी थी? ये कितने साल की है? ये 11-12 साल की। ये 6 बच्चे हैं इनके। ये इनके बाप हैं, ये भी बीमार हैं, ये और इनकी माँ। ये अपना बाजू जरा दिखाएं जी। ये एक बाजू इनका काम नहीं करता और ये भट्टे पे ईंटे नहीं डाल सकती हैं। घर पे ये कर सकती हैं काम बड़ी मुश्किल से। इनका ये बेटा है, वो बेटी है सुनीता, सुनील है और ये नीता है। ये तीनों बच्चे जो उनसे भट्टे पे काम करके ईंटे डाल के तो अपने घर का गुजर बसर करते थे। इनका कर्ज़ा अपने बाप के बीमारी की वजह से इन पर काफ़ी कर्ज़ा था, जो कि 1,80,000 रुपया कर्ज़ा था, जो कि आज ये देकर आज़ाद हो गए हैं। आज खुदा ने इनकी मदद की है और आज ये इस गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो उनसे आज इस परेशानी से, इस गुलामी से और इस भट्टे से आज़ाद हैं। और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदावन हमें और ज़्यादा बरकत दे ताकि और ऐसी जो मजबूर, परेशान, बीमार फैमिलीज़ हैं, हम उनको भी इसी तरह आज़ाद करवाएँ और खुदावन के नाम को जलाल दें। आजाद आए। शुक्र खुदा आजाद का, खुदा यसमसी का बड़ा शुक्र है कि असं आजाद हो गए हैं। लेकिन अज के दिन तक यही सुनते आने भी कर्जे जो थले आ गया दोबारा कर्जे तो बाहर नहीं निकल सकता। इस मर्जी का शुक्र है कि आप ही ने साड़ी हेल्प की, असि इस मंजिल तक पहुंचे, खुदा ने सानू सहार किया। इस राजा का शुक्र है। सुनीता, आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि हमें कर्ज़े जैसे लानत से आज़ाद किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल से मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि खुदा उन्हें और ज़्यादा बरकत दे कि और ज़्यादा लोगों को रहा कराएँ इस कर्ज़े जैसी लामत से। शुक्रिया। आप कुछ बोलो। चले, ये इनको बहुत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप आपका कर्जा अदा हो गया है और आज से आप इस भट्टे से आज़ाद। खुदावंद का शुक्र।